जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस DLF मेथड में, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीकपल्ड लोड फ्लो मेथड। इसमें क्या होता है हमारा, देखिए पहले हम आपको प्रीवियस लेक्चर में अपने गॉस सीडल में अपने NR मेथड में आपको बताएं कैसे हम इसका जेकोबियंस फॉर्म में लिखते हैं पावर और हमारा जो एक्टिव रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ये जनरल फॉर्म है, लेकिन इसमें हम करते क्या है, डीकपल्ड लोड फ्लो में इसमें हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं वी वोल्टेज से, कि हमारा जो डेल्टा वी है वो क्या करे सिमेट्रिक में, वो क्या करे हमारा इंक्रीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फिर उसके बाद क्या किया है, यहाँ पे हमने ऊपर नीचे दोनों वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी वही काम किया है, वोल्टेज से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा कहीं ना कहीं वो चेंजेस आएगा, जिसमें हमारा VN इज इक्वल टू N डैश आ जाएगा और VL इज इक्वल टू हमारा L डैश आ जाएगा। तो आपको ये याद करना है कि हमारा जो मैट्रिक्स जैकोबियन मैट्रिक्स होगा वो H N डैश M L डैश होगा। और जहाँ पे हमको हम देखेंगे इस केस में हमारा क्या है, अधिकतर आप देखेंगे कि जो एच आई के है हमारा एल आई के डैश के इक्वल है, और एन आई के जो हमारा है ये देखिए ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल नेगेटिव इक्वल होता है। फिर उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, उसके बाद आपको ये आप सिंपली कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए सिंपल, देखिए अब ये पॉइंट देखिए क्या बोला है हमको, द कपल बिटवीन एक्टिव पावर पी एंड बस वोल्टेज क्या है, जो कपल हमारा एक्टिव पावर और वोल्टेज के साथ हमारा जो कपल्ड है वो हमारा वीक है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। और ठीक वैसे ही हमारा जो रिएक्टिव पावर में और क्यू बस और उसके में हमारा जो वोल्टेज फेज एंगल में डिफरेंस जो हमारा है कपलिंग वो भी वीक है, तो हम कहीं ना कहीं उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा हमारा पीक जो हमारा पी के साथ हमारा जो बस वोल्टेज है तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये वाला क्वांटिटी जीरो कर दिए क्योंकि इसके साथ होगा, और ये वाला क्वांटिटी जीरो क्योंकि हमारा ये डेल्टा के साथ होगा, क्योंकि इसमें जो कपलिंग होता है हमारा क्यू के साथ और डेल्टा के साथ बहुत ही वीक होता है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है द वीक कपलिंग इज यूटिलाइज इन डेवलपमेंट ऑफ डी कपल्ड लोड फ्लो, और यही हमारा जो होगा वीक कपलिंग जो यूटिलाइज होगा किसके लिए, लोड डीकपल डेवलपमेंट ऑफ डीकपल्ड, वो डीकपल होंगे लोड फ्लो करने के लिए। तो ये पावर क्या होगा हमारा डीकपल्ड होगा किसके साथ, डेल्टा वी के साथ, और क्यू हमारा डीकपल्ड होगा डेल्टा के साथ, ये हमारा डेल्टा वी के साथ और क्यू हमारा डेल्टा के साथ जो एंगल होंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एन डैश एम हमारा नेग्लेक्ट हो गया, तो हमारा बचा क्या, पी इज इक्वल टू ये और क्यू इज इक्वल टू ये बचा। तो ये हमको आपको आप देख सकते हैं जब मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही आएगा सिंपल। अब इसके बाद आपको क्या रिमेम्बर करना है कि एल आई के जो डैश था हमारा एच आई के इक्वल था। अब अभी आपको देखे थे कि एल के जो हमारा आई के डैश था एच आई के इक्वल था, और वो किसके इक्वल था हमारा, वोल्टेज ड्यू टू आई इटरेशन वोल्टेज ड्यू टू केएफ इटरेशन इंटू वाई आई के साइन डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के, ये आपको रिमेम्बर करना होगा फॉर्मूला। और ठीक वैसे ही हमारा जो एच आई आई का वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस क्यू आई माइनस बी आई वी आई का स्क्वायर। अब ठीक हमारा वैसे एल आई डैश का क्या हो जाएगा, जहाँ माइनस क्यू आई है बस पॉजिटिव क्यू आई होगा। तो ये आपको तीन इक्वेशन याद करने होंगे, ये जो कि हमको एफ डी एल एफ मेथड में भी आएगा समझ में। ये इसलिए हमारा इसलिए हमने क्या किया सिंपल बता रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर देखा था, जो हमारा यहाँ पे पहले इक्वेशन था डेल्टा पी हमने एन आर मेथड से किया, उसमें देखा था हमारा जो एच डेल्टा पी आया था वो अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा सिंपल एच एन एम एल आता था, लेकिन इसमें हमने क्या किया वी और वी से हमने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों कि हमारा इंक्रीमेंट हो जाए डेल्टा वी, उसमें सिमेट्रिक रिजल्ट है तो इसमें हमने इसको इंक्रीमेंट किया। फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट किया तो हमारा सिमेट्रिक ऐसे बना कुछ एच एल डैश एच एन डैश एम एल डैश, और इसमें हमने क्या देखा कि एच आई के का वैल्यू जो है इक्वल है एल डैश आई के साथ, और एन आई के का वैल्यू किसके साथ इक्वल है माइनस एम आई के साथ। फिर उसके बाद हमने सीधे यहाँ टर्म को आना है कि और बताना है कि जो कपल है हमारे पी के और बस वोल्टेज के साथ उसका बहुत ही वीक है, इसलिए हम उसको डीकपल्ड कर दे रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं। और डेल्टा क्यू का हमारा जो डीकपल्ड किसके साथ है, डेल्टा क्यू का हमारा डीकपल्ड है डेल्टा के साथ, इसलिए उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जीरो कर दिए, इसको भी जीरो, फिर इस इक्वेशन को लिख दिए। फिर ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच इंटू डेल्टा एंगल, फिर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एल डेल्टा वी मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी। तो उसके बाद हमको ये पॉइंट रिमेम्बर करने हैं, ये पॉइंट क्या है, एल आई के एच आई के हमारा इक्वल था एल डैश आई के इज इक्वल टू एच आई के, उसमें जो हमारा वैल्यू क्या था वी आई वी के
वाई आई के साइन डेल्टा आई माइनस डेल्टा के माइनस थीटा आई के था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमको एच आई आई निकालना है, ये आपको तो पता ही होगा, इसके प्रीवियस लेक्चर हमने देखा डेल्टा एच आई आई इक्वल टू माइनस क्यू आई माइनस बी आई वी आई का स्क्वायर। फिर एल डैस का वैल्यू सिंपल माइनस क्यू आई, जहाँ एच आई में है वहाँ पे प्लस क्यू आई हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या डी कपल लोड फ्लो इक्वेशन। थैंक यू, जय हिंद।